एक बार असुरों के राजा बलि और इंद्रदेव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इंद्रदेव राजा बलि से युद्ध हार गए और बलि ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। तब हताश और निराश होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ श्रीहरि विष्णु के पास गए और उनसे अपना स्वर्ग लोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब श्री विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि आप सभी देवता असुरों से सुलह कर लें। सभी देवता विष्णु जी की इस बात पर आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु जी ने सभी देवताओं को सदियों से चली आ रही देवताओं और असुरों के बीच इस मतभेद को समाप्त करने के लिए एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि सभी देवता दैत्यों के सहयोग से समुद्र मंथन करें और उसमें से जो अमृत निकलेगा उससे देवता अमर हो जाएंगे। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंदार पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा, जिसके बाद देवता असुरों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद देवताओं के राजा इंद्र असुरों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर राजा बलि ने देवताओं को वचन दिया कि वह समुद्र मंथन में देवताओं की मदद करेंगे। इसके बाद देवताओं और असुरों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदार पर्वत को उठाकर समुद्र के तट पर ले जाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं उठा पाए। फिर श्री हरि की सहायता से मंदार पर्वत को उठाकर समुद्र में रख दिया। फिर सभी देवताओं और असुरों ने पर्वत को मथानी एवं वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ किया। श्री विष्णु की नजर मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। ये देखकर उन्होंने स्वयं कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को रख लिया। इसके बाद समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चेश्रवा और अंत में अमृत कुंभ निकले, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। अमृत कलश को देखते ही असुरों ने उनके हाथ से कलश छीन लिया और वहां से भागने लगे, क्योंकि असुर चाहते थे कि वे देवताओं से पूर्व अमृत पान कर लें और अमर हो जाएं। असुरों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े थे। इस झगड़े के बीच विष्णु जी को एक तरकीब सूझी और फिर वे एक अति सुंदर नारी का रूप धारण करके देवता और असुरों के बीच पहुंच गए और उन्होंने अमृत को समान रूप में बांटने का प्रस्ताव रखा। असुरों ने मोहित होकर अमृत का कलश श्री विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूप में विष्णु जी ने कहा कि मैं जैसे विभाजन का कार्य शुरू करूं, तुम लोग कार्य के बीच में बाधा उत्पन्न मत करना। मोहिनी ने देवता और असुरों से वचन मांगा। सभी ने वचन दिया और मोहिनी की बात मान ली। अमृत पाने के लिए देवता और असुर अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए और मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और देवताओं को अमर बना दिया।